तुझे चांद के बहाने देखूं, पानी लेने के बहाने आ जा कि तेरा मेरा एक रास्ता। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत शानदार लेसन जिसे आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो, जैसे मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, या पानी लेने के बहाने आ जा कि तेरा मेरा एक रास्ता, या तुझे चांद के बहाने देखूं, या फिर डांडिया के बहाने आ जाना, तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्लस जेरंड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, तो आप कहेंगे आई केम टू मीट यू ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल। आप चाहें तो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरुआत में भी कर सकते हैं, जैसे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल आई केम टू मीट यू। अगर आप ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का इस्तेमाल शुरू में करेंगे तो आपको कॉमा देना होगा। आइए फ्रेंड्स देखें कि दूसरे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। पानी लेने के बहाने आ जा कि तेरा मेरा एक रास्ता। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग वाटर बिकॉज वी हैव द सेम वे। तुझे चांद के बहाने देखूं, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई सी यू ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द मून। या फिर आप इस सेंटेंस को ऐसे कह सकते हैं ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द मून आई सी यू। डांडिया के बहाने आना, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ डांडिया। मैं उससे मिलने के बहाने कॉलेज जाता हूँ, तो आप कहेंगे आई गो टू कॉलेज ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मीटिंग हर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो कि बहाने, तो आप ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्लस जेरंड का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।